वन आम अकेथ फाइव क्वेश्चन ऑफ सरमास इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट इज वट डिट द पीज एंड पे द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एज रेंट वट डिड द ब्रिटिश नाउ वो ब्रिटिश लैंड लॉर्ड है यह स्टोरी चंपारण की है बिहार में चंपारण में जितने भी एरेबल लैंड थे जो कि कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल होते हैं लैंड वो सारा ब्रिटिश के पास था और उसके फिफ्टीन परसेंट में जो इंडिया के टेनेंट्स थे शेयर क्रॉपर थे शेयर क्रॉपर वो होते हैं जो दूसरे की ज़मीन में क्रॉप उगाते हैं और उसका हार्वेस्ट का कुछ हिस्सा उनको दे देते हैं रेंट के रूप में तो पर यहाँ ये था कि फ़िफ्टीन परसेंट ऑफ लैंड में ब्रिटिश के लैंड में वो इंडिगो हार्वेस्ट करते थे और पूरा का पूरा इंडिगो हार्वेस्ट उनको रेंट में के रूप में दे देते थे अब क्या हुआ ब्रिटिश को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया रिसेंटली में तो उनको पता चल गया कि अब नेचुरल इंडिगो तो मार्केट में टिकेगा नहीं उसकी प्राइस घट जाएगी उसकी डिमांड कम हो जाएंगे तो उन्होंने को uh, आपस को कहा कि हम तुम्हें ये फिफ्टीन परसेंट की जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है उससे फ्री करते हैं पर उसके बदले में तुम्हें हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा तो ये अब वो चाहते थे तो वॉट डिड द ब्रिटिश नाउ वॉन्ट तो नाव ये वही चाहते थे कि हम तुमको एग्रीमेंट से फ्री कर रहे हैं तुम हमें कंपनसेशन पे करो सेकेंड इज वट गिफ्ट इड पेडलर लीव फॉर एडला एंड वाई वो आर सी हैप्पी टू सी इट एडला को जब चर्च में पता चलता है कि पेडलर एक चोर है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके फादर भी उसको चिढ़ाते हैं कि तुम एक चोर को अपने घर में पना दे रही थी तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो हर किसी के लिए पर जब वो घर पहुँचती हैं तो वो देखती है कि पेडलर ने उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उस गिफ्ट गिफ्ट में एक स्मॉल रैट ट्रैप होता है जो पेडलर ने ख़ुद बनाया था और उसके अंदर थ्री विंकल थर्टी क्रोनोज नोट्स होते हैं मतलब वो थर्टी क्रोनोज नोट जो क्राफ्टर से उसने चुराए थे और वो एडला को कहता है कि तुम उस क्राफ्टर को वापस कर देना और एक लेटर उसके लिए छोड़ जाता है और उस लेटर में वो लिखता है कि ओ काइंडमेस तुम हमको पूरी तरीके से बदल दी हो अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मैं ज, मैं बुरा नहीं था मेरी कोई गलती नहीं थी मेरी सिचुएशन मुझे चोरी करने पे मजबूर करती थी पर अब मैं समझ गया हूँ तुमने मुझे वर्ल्ड के रैट ट्रैप से में फंसने से बचा लिया हम थर्टी क्रोनोस चुरा कर एक वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने जा रहे थे और वो एक बेट्स की तरह था मेरे लिए पर तुम हमको वर्ल्ड के रैट ट्रैप से बचने ए, में फंसने से बचा ली और तुम ये जानती थी कि हम कैप्टन नहीं हैं फिर भी तुमने कैप्टन की तरह मेरा ख्याल रखा इसके लिए वो उसको थैंक यू बोलता है अपने मिस्टेक को रियलाइज करता है और एक परफेक्ट इंसान बन जाता है थर्ड इज़ डिड सोफ़ी रियली मेट डैनी के सी वाई डिड एंड सोफ़ी वॉन्ट जेन्सी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी क्या सोफ़ी डेनी केसी से रियली really मिली थी नो द यंग गर्ल सोफ़ी एक्चुअली नेवर मेड डेनी के नहीं मिली थी वो सिर्फ़ उसका इमेजिनेशन था वो अपने इमेजिनेशन में उसको हीरो वर्शिप करती थी सबसे पहले डैनिकसी एक यंग एरिश फुटबॉल प्लेयर है और वो हीरो वर्शिप किया जाता है बहुत सारी एडल्ट गर्ल्स से सारी एडल्ट गर्ल्स उसको अपने हीरो मानती हैं तो सोफी भी उसको अपने हीरो मानती है वो अपनी फैमिली के साथ हर सैटरडे मैच देखने जाती थी फ़ुटबॉल स्टेडियम में और वहाँ पर वो अपने हीरो डैनिकैसी को फ़ुटबॉल खेलते हुए देखती थी अब है कि सोफ़ी नहीं चाहती थी कि जैनसी को ये पता चले उसके फॉल्स स्टोरी के बारे में कि वो डैनिक ऐसे से मिली है और वो उसके लव अफेयर्स चल रहे हैं डैनी कैसी के साथ वो नहीं जानने देना चाहती थी जैनसी को तो ऐसा क्यों क्योंकि जैंसी एक बहुत ही नोजी टाइप की लड़की थी और वो जो भी न्यूज़ उसको मिलता था वो पूरे नेवरहुड में फैला देती थी और सोफ़ी बहुत ज़्यादा डरती थी कि अगर नेवरहुड को पता चलेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे अगर उसके फादर को पता चलेगा तो वो उसको डांटेंगे और उसको बहुत ही मारेंगे ऐसा वो सोचती थी इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जैनसी को उसके फॉल्स स्टोरी के बारे में पता चले डैनिक कैसे के साथ फोर्थ है वट मेक्स ह्यूमन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट पोएम पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी हर किसी के लाइफ में बहुत ही ट्रबल्स और सफरिंग्स होती हैं पर फिर भी ऐसा क्या है जो ह्यूमन को अपने ज़िंदगी को लव करने पे मजबूर करता है तो वो है थिंग ऑफ ब्यूटी हम सभी के लाइफ में बहुत ही डिप्रेशन है सैडनेस है ट्रबल है सफरिंग है पेन है पर फिर भी जब हम सैड होते हैं या हम बीमार होते हैं तो हम कुछ चीज़ को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो जो जो चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है जब हम उसको देखते हैं वही है थिंग ऑफ ब्यूटी ये कुछ भी हो सकता है सीनरी कोई पर्सन कोई सब्सटेंस कुछ भी हो सकता ही है ये पर इस पोएम में पोएट ने नेचर की ब्यूटी को थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है हमारे लिए और आपके लिए ये कुछ भी हो सकता है तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है ये कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और एक बार हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देख लेते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे माइंड में वो कभी कम नहीं होता है उसका चार्मनेस उसकी लवलीनेस वो इंक्रीज कर जाती है पैसेज ऑफ टाइम से और जितना भी हम ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में सोचते हैं उतना ज़्यादा हमें अच्छा फील होता है हमें इंटरनल हैप्पीनेस और मेंटल पीस मिलती है तो यही थिंग ऑफ ब्यूटी है जो ह्यूमन को अपने लाइफ को लव करने पे मजबूर कर देती है वट इज़ द चाइल्डस लॉन्गिंग द पोएट रिफर्स टू इन द अ रोड साइड स्टैंड एंड वाई इज इट वेन कौन सा चाइल्ड लॉन्गिंग है जो इस रोड साइड स्टैंड में पोएट ने जिक्र किया है और क्यों ये वेन है मतलब ये कभी भी पूरा नहीं होगा ये डिजायरेबल नहीं है तो जो कंट्री के फॉल्क्स हैं कंट्री में रहने वाले जो रोड साइड स्टैंड के ओनर हैं वो बहुत ही पैथटिकली प्लीड कर रहे हैं ये इच्छा कर रहे हैं कि कोई कस्टमर यहाँ आके रुके और हमसे कुछ खरीदे वो बेच रहे हैं सामान और वो उससे बेच कर कुछ सिटी मनी कमाना चाहते हैं ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ा सकें पर कोई भी जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं सिटी के लोग हैं कोई भी वहाँ रुकता नहीं है कोई उनसे कुछ ख़रीदता नहीं है इसलिए एक चाइल्ड स्लॉन्गिंग है बचपन वाली जिद है क्योंकि कोई भी गाड़ी वहाँ रुकता नहीं है वो कॉन्स्टेंटली वो बहुत वेट कर रहे हैं कि कोई भी साउंड आ जाए स्टॉपिंग कार की और वो उनसे कुछ खरीदें ताकि वो पैसा कमा सकें पर ये वेन क्यों है क्योंकि ये कभी भी फुलफिल नहीं होगी क्योंकि कोई भी कस्टमर रुकता नहीं है उनसे कुछ ख़रीदता नहीं है और अगर वे रुकते भी हैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए कि हम इस जगह पर ये हमारा डेस्टिनेशन है आप हमें रास्ता बताइए कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे या फिर वो उनसे गैलन ऑफ गैस मांगते हैं तो ये उनकी एक इच्छा वेन है कभी भी पूरी नहीं होगी और इस चीज़ से पोइट को बहुत दुख होता है